नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु में एक हिंदी गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट निकला है और उसके साथ साथ बहुत सारे नॉन टीचिंग पोजीशन में भी वैकेंसी है, जैसे कि मैंने यह मेंशन किया है रिसर्च फेलो का। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यह है इसका ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। तो यहाँ देख सकते हो एक ऑप्शन कैरियर का ऑप्शन दिया गया है, इस टैब पर हम क्लिक करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन करंट ओपनिंग्स, ऑनलाइन वॉकिंग इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। तो हम इसी के ऊपर यहाँ भी डेट मेंशन किया है, आप देख सकते हो ये शुरू हुआ है 18/5/2021 और इसका जो क्लोजिंग डेट है ये है 27/5/2021 और ये एक्टिव दिखा रहा है, तो हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए ये है इसका रिक्रूटमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु इनवाइट्स एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड फॉर द गेस्ट फैकल्टी पोजीशंस फॉर द ऑड एंड इवन सेमेस्टर ऑफ द एकेडमिक ईयर 2020 and 2021। द रिक्वायरमेंट डिटेल्स आर आज अंडर। देखिए यहाँ मेंशन किया गया है हिंदी का गेस्ट फैकल्टी, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी, उसके साथ साथ PhD टच चाहिए, हिंदी में नेट भी क्लियर होना चाहिए। बाकी यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू केयरफुली फिल द ऑल रिलेवेंट फील्ड्स प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा और उसके बाद स्कैंड कॉपीज ऑफ द ड्यूली फील्ड एंड साइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। यहाँ नीचे एक प्रोफॉर्मा दिया गया है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको आपको फिर से स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद इसको सॉफ्ट कॉपी बनाना है। सॉफ्ट कॉपी बना के इसके साथ जितने भी सारे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जितने भी सारे हैं सारे के सारे आपको अटैच करके एक सिंगल PDF बनाना पड़ेगा। उसके बाद इसको आपको भेजना पड़ेगा, यहाँ जो मेल ID दिया गया है इस मेल ID पर आपको भेजना पड़ेगा। आप जैसे देख सकते हो ये है इसका मेल ID, इस मेल ID पर आपको भेजना पड़ेगा, कब? ऑन और बिफोर 27/5/2021, ठीक है। और इसके लिए एज लिमिट जो रखा गया है 70 ईयर्स, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, जो रिटायर्ड पर्सन भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। बाकी एलिजिबिलिटी देख लेना, मास्टर्स के साथ साथ PhD होना जरूरी है और अदर टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना, ठीक है। 27 तारीख इसका लास्ट डेट है, तो 27 तारीख से पहले आपको भेजना पड़ेगा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये गया टीचिंग का। इसके बाद नॉन टीचिंग में भी देखिए दो वैकेंसी यहाँ दिखाई दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्सन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, ये भी एक वैकेंसी है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पर्सन ऑफ द जूनियर रिसर्च फेलो इन माइक्रोबियल लिपिड लेबोरेटरी एट द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी का वैकेंसी है, यहाँ भी माइक्रोबायोलॉजी का वैकेंसी है और इसका जो लास्ट डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 25/5/2021, इसको भी एक्सटेंड किया गया है 25/5/2021। तो माइक्रोबायोलॉजी में जो भी रिसर्च फेलो का जॉब ढूंढ रहा है ये भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। तो टोटल 3 जॉब हो गया, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये था डिटेल्स और इसका डेट खत्म होने से पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये टीचर्स इन चैनल ये फुल्ली डेडिकेटेड है टीचर्स के लिए। जो भी एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये फुल्ली डेडिकेटेड है। यहाँ हम टीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड जॉब्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और नीचे जो हमारा सोशल मीडिया साइट दिया गया है इसमें आप फॉलो कीजिए, तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।